स्टूडेंट्स अनदर क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस कॉस ऑफ लॉग एक्स। कई बच्चे इस क्वेश्चन को अप्रोच इसमें लेके जाने की कोशिश करते हैं कि साइन का डेरिवेटिव कॉस है। बिल्कुल है, साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव कॉस लॉग एक्स अकेला नहीं होता, कॉस लॉग एक्स इंटू वन अपॉन एक्स है, जो इस क्वेश्चन में नहीं है। दैट मीन्स दिस अप्रोच इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस क्वेश्चन। या तो डिवाइड बाय एक्स होता तो मेरा क्वेश्चन तैयार था। नाउ व्हाट टू डू, बिल्कुल कुछ पल्ले नहीं पड़ता, लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। आइएगा समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैंने कहा टी इज इक्वल टू लॉग एक्स, तो पक्का ई की पार टी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स। इसका मतलब ई की पार टी डी टी क्या होगा, डी एक्स। तो जो मेरा इंटेग्रल था बेटा ये किसमें कन्वर्ट हो गया, देखो जी साइन ऑफ लॉग एक्स लिख लू साइन ऑफ टी प्लस कॉस ऑफ लॉग एक्स कॉस ऑफ टी। ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूं जान के, क्योंकि dx इन दोनों के साथ है, सही है, पूरे इंटीग्रेशन के साथ है। dx की जगह क्या आ गया, et dt, सही है। अब ये देखिए ये मेरा ft नहीं है और ये क्या है उसका, सही है, et into ft plus f't क्या होगा, et into ft। तो मेरे पास आंसर क्या बना, et into साइन टी प्लस सी। वट इज ई टी, एक्स। वट इज साइन टी, क्या लिया साइन लॉग एक्स प्लस सी, दैट्स माय आंसर। बोलो इजी, श्योर करिए नोट।